हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आवर टॉपिक इज ग्रेडियंट फिल। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने आपको बैकग्राउंड, ठीक है बैकग्राउंड चेंज करने कैसे हम प्रेजेंटेशन मतलब बैकग्राउंड चेंज करते हैं पावर पॉइंट में। ठीक है, कोई भी प्रेजेंटेशन रेडी कर रहे हैं हम, तो उसके लिए हम कैसे बैकग्राउंड चेंज करेंगे, तो उसके लिए कुछ ऑप्शंस मतलब स्टेप्स बताए थे हमने। पहले आप डिज़ाइन टैब पर जाएंगे, फिर बैकग्राउंड स्टाइल, ठीक है, आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपको बैकग्राउंड चेंज करना है तो फॉर्मेट बैकग्राउंड मिलता है। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं तो इस टाइप से एक विंडो मतलब ओपन होकर आ जाती है, आपको स्क्रीन मिल जाती है। तो इसमें फर्स्ट होता है सॉलिड फिल, ये आपको हमने कल एक्सप्लेन कर दिया था सॉलिड फिल। टुडे आवर टॉपिक इज ग्रेडियंट फिल। ठीक है, ग्रेडियंट फिल क्या होता है, ग्रेडियंट फिल देखिए सॉलिड फिल होता है। सॉलिड फिल में इस टाइप से कलर आते हैं, मतलब एक सिंगल कलर होता है इसमें। ठीक है, वो लाइट डार्क होते हैं, ये सिंगल कलर्स का यूज़ होता है। और जो आपका ग्रेडियंट फिल होता है, मतलब इसमें क्या होता है, टू और थ्री या मोर कलर्स जो होते हैं उनकी लेयर होती है। ओके, इस टाइप से कलर आते हैं। ग्रेडियंट फिल, अ ग्रेडियंट फिल इज अ शेप फिल द ग्रेजुअली चेंज फ्रॉम वन कलर टू अनदर अक्रॉस द सरफेस ऑफ द शेप। शेप की सरफेस पे जो कलर होता है वो एक दूसरे के ऊपर अक्रॉस होता रहता है, मतलब कलर जो होते हैं चेंज हो जाता है। अ ग्रेडियंट इज अ स्मूथ ट्रांजिशन, एक स्मूथ ट्रांजिशन होता है वन कलर का एन टू अनदर कलर, मतलब वन कलर होगा उसके ऊपर से फिर दूसरा कलर आ जाता है। अ ग्रेडियंट, यू कैन अप्लाई ग्रेडियंट फिल टू शेप टेक्स्ट बॉक्स ग्राफिक्स इन MS Excel, MS Word एंड पावर पॉइंट। हम इसमें क्या कर सकते हैं, इस ग्रेडियंट फिल का यूज कर सकते हैं। यू कैन सिलेक्ट ग्रेडियंट फिल ऑप्शन, आप ग्रेडियंट फिल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ना, जब आप फिल में जाएंगे, आपको सॉलिड फिल के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बताया था, ये सॉलिड फिल का ऑप्शन था। नेक्स्ट था आपका ग्रेडियंट फिल, जब आप ग्रेडियंट फिल पर क्लिक करेंगे तो आपको इस टाइप से कलर्स मिलेंगे। ठीक है, आपको जो भी कलर चाहिए उसको चूज़ कर लीजिए, तो आपका बैकग्राउंड उसी कलर का हो जाता है। यू कैन सिलेक्ट ग्रेडियंट फिल ऑप्शन एंड कैन चूज फ्रॉम अ सिलेक्शन ऑफ रेडीमेड इंडिग्रेंट बाय द क्लिकिंग ऑन प्रेजेंट कलर बटन। ठीक है, ये प्रेजेंट कलर बटन है, ठीक है, इसको आप क्लिक करेंगे। यू कैन ऑल्सो डिफाइन द ग्रेडियंट योरसेल्फ, आप खुद भी डिफाइन कर सकते हो ग्रेडियंट सेल्फ को। इफ़ यू डू दिस, अगर आप करना चाहते हो, यू विल नीड टू टेल पावर पॉइंट वेदर द ग्रेडियंट इज लाइनियर, रेडिकल, रेक्टेंगुलर, पाथ और शेड फ्रॉम टाइटल। ठीक है, एडिशनली यू विल नीड अ स्पेसिफाई द ग्रेडियंट डायरेक्शन एंगल्स वेयर द कलर आर पोजिशन ऑन द ग्रेडियंट विद द ग्रेडियंट स्ट्रोक। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसमें से भी कलर ले सकते हो। ठीक है, इसमें से भी जो भी ग्रेडियंट आपको यूज़ करना है ना, ग्रेडियंट उनको यूज़ कर सकते हो, या अपने आप सेल्फी तैयार कर सकते हो। तो आप उसको सेल्फ तैयार करना चाहते हो तो सेल्फ कर तैयार कर लीजिए। उसके लिए आपको एक पाथ मतलब एक रेक्टेंगुलर में ले रहे हैं आप उसको, शेड ऑफ द टाइटल, ठीक है, फ्रॉम द टाइटल, मतलब किस टाइप से इसको यूज़ कर रहे हो ये आपको यहाँ पर शो करना होता है। एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द ईच कलर इन द ग्रेडियंट, और जो उसकी प्रॉपर्टी होती है वो कैसी होती है, मतलब जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो इसी में, मतलब कलर आपको इसी में से चूज करने होते हैं, ग्रेडियंट्स में होती हैं। दीज प्रॉपर्टीज आर आल्सो इंक्लूड्स अबाउट द कलर एंड इट्स ब्राइटनेस एंड ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, जो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, जो उसमें ग्रेडियंट्स यूज किए जाते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ब्राइटनेस होती है, उसके अंदर ब्राइटनेस बहुत अच्छी होती है, ट्रांसपेरेंस होते हैं कलर, और कलर में शाइनिंग बहुत होती है। ठीक है, तो हमें मोस्टली जो मेनली क्या करते हैं हम लोग, इसी से ग्रैंड फिल से ही, अपने आप तो हम नहीं बनाते हैं इसको, लेकिन अब मेनली इसी से चूज़ कर लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन हमें मिल जाते हैं, जो हमारी इस जो हम स्लाइड्स या अपना प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं उसको मोर अट्रैक्टिव बनाते हैं। नेक्स्ट है आपका पिक्चर और टेक्सचर फिल। ठीक है, आप अपने जो बैकग्राउंड है उसके पीछे आप अपनी पिक्चर्स भी लगा सकते हो, या और कोई भी पिक्चर अगर आप उसमें लगाना चाहते हैं या टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं तो वो भी आप उसमें फिल कर सकते हैं, तो उसका भी आपको ऑप्शन मिलता है। देखिए, ये आपको फिल है, इसमें आपको सॉलिड फिल, ग्रेडियंट फिल हमने बता दिया। ठीक है, ये टू ऑप्शंस आपको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है आपका पिक्चर और टेक्स्चर फिल। ठीक है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, कोई टेक्स्ट या पिक्चर भी आप इसमें लगा सकते हैं। इन पिक्चर फिल यू कैन चूज द पिक्चर टू डिस्प्ले इन द बैकग्राउंड। आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, जो पिक्चर आप चाहते हो ना उस पिक्चर को आप चूज़ कर लीजिए। ठीक है, टू डिस्प्ले इन द बैकग्राउंड द पिक्चर इज आइदर ऑन योर कंप्यूटर और ऑनलाइन। आप पिक्चर अपने कंप्यूटर से भी ले सकते हो और ऑनलाइन पिक्चर भी कोई ले सकते हैं। इन टेक्स्चर फिल देयर इन अ स्मॉल सेक्शन ऑफ टेक्स्चर दैट कम विद द पावर पॉइंट 2010। दे लुक लाइक पिक्चर बट दे कैन रिपीट सीमलेसली इन द बैकग्राउंड। ठीक है, ये भी कि अगर आप कुछ टेक्स्ट टाइप करते हो तो वो भी पिक्चर की तरह दिखाई देता है। ठीक है, पर ये कैसा होता है, दे कैन रिपीट सीमलेसली इन बैकग्राउंड। नेक्स्ट आता है आपका पैटर्न फिल। आप जो है अपने बैकग्राउंड में
आपको बताया कि आप जो है सॉलिड कलर यूज़ कर सकते हो, ग्रेडियंट फिल कर सकते हो उसको, सॉलिड फिल कर सकते हो, पिक्चर्स और टेक्सचर्स भी आप लगा सकते हैं अपने बैकग्राउंड में, अपनी स्लाइड्स में। नेक्स्ट आपको ऑप्शन मिलता है पैटर्न फिल। पैटर्न में क्या होता है, आपके डिफरेंट पैटर्न होते हैं, जैसे डॉट्स हो गए, स्ट्रिप हो गई, जिगजैग हो गए, ये डिफरेंट टाइप के पैटर्न आपको शो हो रहे हैं ना, आप ये भी अपनी स्लाइड्स के बैकग्राउंड में यूज़ कर सकते हो। There are pre-made pattern that you can use as your background in PowerPoint. यहाँ पर कुछ रेडीमेड आपको पैटर्न्स मिल जाते हैं, इस टाइप से आप इनको अपने बैकग्राउंड में यूज़ कर सकते हो। The pattern available for selection includes dot, strips, zigzag, brickwork and any more. ठीक है, बहुत सारे हैं यहाँ पर, आप कोई भी चूज़ कर लीजिए। You can specify whatever foreground and background color you need. और इसमें क्या होता है, इनका जो आप इसमें ब्लू कलर शो है ना, आप इन पैटर्न्स का कलर चेंज कर सकते हो, जैसा आपको नीड है उस कलर को आप यहाँ पर चूज़ कर लीजिए। नेक्स्ट है हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स। ठीक है, आपको एक हाइड बैकग्राउंड ऑफ, अगर आपको बैकग्राउंड को हाइड करना है तो ये ऑप्शन भी आपको इसमें मिल जाता है, फिल्म में ही आपको ये ऑप्शन भी मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टॉपिक इंसर्टिंग इमेज एंड पिक्चर एंड क्लिप आर्ट। आप कैसे इमेज पिक्चर को इंसर्ट करोगे, ओके, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।